My name is Ankush and welcome back to my channel, Mr. Srivastav. So, ये ब्लॉग स्पेशल होने वाला है नॉनवेज लवर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वैरायटी ऑफ नॉनवेज और सबसे स्पेशल होगा चंपारण का मीट, जो कि आप चंपारण में नहीं आरा में रहते हुए एकदम रियल चंपारण का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अभी खड़ा हूँ रमना के अपोजिट में, चंपारण मीट हाउस, जो कि आरा का इकलौता यही एक ब्रांच है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि हांडी लग चुकी है और इसका प्रिपरेशन, इस वीडियो में आपको उसका सारा प्रिपरेशन दिखाऊंगा मैं और कैसे बनता है और कैसा टेस्ट होता है, क्या प्राइस है, सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो नॉनवेज लवर हो तो भाई इस वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू पूरा देखना और सब चीज़ आपको दिखाऊंगा कि चंपारण का मीट बनता कैसा है। फिलहाल आप ये देखो, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसका। चलो तो दिखाता हूँ इसका प्रिपरेशन। अभी चंपारण मीट हाउस के किचन में डायरेक्टली देखते हैं कि कितने हांडी यहाँ पे लगती है और कितने सारे क्वांटिटी में यहाँ पे मीट बनता है। वैसे तो भैया ने भी बताया कि यहाँ से 100 हांडी डेली का सेल है, बाकी और देखते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि किस क्वांटिटी में यहाँ पे मीट बनाई जाती है चंपारण। चलिए तो देखते हैं। मटन हांडी का पूरा प्रिपरेशन चालू है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम यहाँ मसाला आपका, नमक 1 चम्मच, कश्मीरी 1/2 चम्मच, गुल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, मीट मसाला रहा आपका 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, आधी लहसुन का पेस्ट है जी, सरसों तेल है गरम 2 डब्बू जी, और यहाँ पे बनाने में हाइजीन का पूरा ध्यान दिया गया है यहाँ पे, और ये ग्लव्स पहन के यहाँ पे कर रहे हैं तो हाइजीन की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मटन जा रहा है, एक हंडे में कितना मटन जाता है भैया? 1 केजी। ऐसा नहीं कि 1 केजी बोलते और 1 केजी नहीं होगा, नहीं 1 केजी वो तो डरता है। 1 केजी यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप वेट हो रहा है इसका, प्रॉपर 1 केजी आपको मिलेगा। धूप वाली बात तो यहाँ है नहीं, बल्कि आपको ज्यादा ही मिलेगा। अब बढ़िए भाई मसाले को मटन में मिक्स करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मसाला और मटन पूरा अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसका अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, जिसको हम लोग टेस्ट में खुशबू में बोलते हैं। ओह पूरा जूसी टाइप यहाँ पे। ये मटका पूरा अभी फुल होगा इस मटन से, अभी से इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, पकने के बाद तो कहीं देखने के बाद चलेगा टेस्ट कैसे आपको, अभी तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये पूरा हो गया, अब इसको कवर किया जाएगा ढक्कन से और उसके ऊपर आटा का डो लगेगा। तो ये आ गया, अभी देख सकते हैं इसका हांडी का ढक्कन और इसके ऊपर लगाया जाएगा आटे का लेप। अभी ये रेडी है पकने के लिए, है ना भैया? तो चलिए धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रिपरेशन दिखाया हमें। मटन हांडी रखने के लिए यहाँ पे पूरा कोयला गर्म है, आप देख सकते हैं मटन हांडी रखने के लिए रेडी है। तो रखिए भैया, ये ने रख दिया अभी हांडी पकने के लिए। तो कितने घंटे लग जाएगा भैया? 1.5 घंटा जी। 1.5 घंटा लग जाएगा, उससे पहले नहीं होता? नहीं उससे पहले नहीं होगा, तो एकदम जूसी उसी मटन पूरा एकदम 1.5 घंटे में पूरा तैयारी हो जाएगा, पूरा एकदम रेडी। बहुत तो चलिए बस 1.5 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मटन हांडी में से कैसा निकलता है। तो भाई 1.5 घंटे हो चुके हैं अभी फिलहाल यहाँ पे, और भैया 1.5 घंटे हो गए तो जलेगा तो नहीं? नहीं 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 जलेगा जी, मान लीजिए जलेगा तो नहीं जलेगा, 2-3 बार हिलाते हैं, 2-3 बार हिला के पूरा चेक करते हैं। चेक करते हैं खुशबू, अगर मैं खुशबू की बात करूँ भाई तो मिट्टी दी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मन तो कर रहा है बस अब उठाऊँ और सीधा पेट में डालूँ। भैया थोड़ा खोल के दिखाइए,
पूरा खाने के लिए, तो बस अब खाने के और जाएंगे हम। तब तक इनको थोड़ा सेटल करने का मौका देते हैं कि आराम से पूरा डेकोरेट करके लाए, तब तक अच्छे से ब्लॉगिंग होगी। एक्चुअली हमने सारा प्रिपरेशन तो देख लिया, अब मिलते हैं पुराने चंपारण मीट हाउस के मालिक यानी हमारे रोहित भैया जी से। तो सबसे पहले रोहित भैया को मैं हेलो बोलूँगा। और रोहित भैया, आपका रेशन देख लिया मैंने, और भी बहुत सारे मेन्यू में डाइवर्सिटी आपके मेन्यू में, तो बहुत सारा आइटम है, जैसे मटन स्टू हो गया, मछली हो गया, बगेड़ी हो गया, और बटेर भी मिलता है। समय के हिसाब से अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी और कलकत्ता बिरयानी स्टार्ट करने वाले, कुछ फ्राई आइटम भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ मटन फ्राई और कलेजी फ्राई, ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन चीज़ों को भी। तो एक दिन में भी कितने हांडी बिकते होंगे आपके? लगभग 90-100 kg। 90-100 kg एक दिन में? हाँ रे बाप, यानी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। और जैसे भैया ने बोला कि इनिशियली अभी यही स्टार्ट हुआ है, और भी मेन्यू में जैसे कि अभी कोलकाता बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी सब अभी आ रहा है धीरे धीरे, तो मेन्यू में भैया भी आता है कि कम रेंज से लेके हाई रेंज तक सब चीज़ है यहाँ पे। टेस्ट की बात तो मेरे को जैसे मेनरेशन के टाइम पे आपको बता दिया कि जो खुशबू आ रही थी, तो कुछ सीक्रेट अभी है, मतलब इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, टेस्ट आता है? अपना खुद का मसाला यहाँ पीस कर, हम लोग कच्चा मसाला बाहर से मंगवाते हैं और उसको खुद से यहाँ पर पीस कर और कुछ बनाते हैं उसको क्वान्टिटी में, और उसके बाद उसमें डालते हैं, इसलिए इतना अच्छा तैयार होता है। और एक चीज़ और बता दो कि जो आप फार्म वाला बता रहे थे, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हाँ हमारा फार्म है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिसमें हम लोग मछली का उत्पादन करते हैं और मुर्गे का भी होता है वहाँ, हम लोगों का फार्म है, बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, वही कच्चे मटेरियल को यहाँ लाते हैं और यहाँ पर उसी चीज़ से बनाया जाता है। इनका खुद का है, तो इसमें जो भी ऑर्गेनिक की बात आती है ना, तो ऑर्गेनिक मीट ही यहाँ पे आएगा खुद से, मतलब वहाँ पे का मछली का फार्म है, चिकन का फार्म है, और जो खस्सी का फार्म है, मटन का जो बनता है, तो हर चीज़ टेस्ट तो अब समझ में आएगा कि टेस्ट का सीक्रेट क्या है, इनका खुद का मसाला है, खुद का फार्म है। तो भाई अब बस सब चीज़ हो गया, अब बस टेस्टिंग पे जाते हैं, और टेस्टिंग में आपको बताएंगे कि यहाँ का सच में कैसा टेस्ट है, क्या बोलते हैं, ठीक से पका या नहीं पका है, सब बताएंगे आपको। तो बने रहिए मिस्टर श्रीवास्तव के साथ। जिसका सबको इंतज़ार था वो आ गया टाइम। सो अभी हम लोग को 3 आइटम सर्व किए गए हैं, जिसमें कि मटन हांडी जो कि चंपारण वाला मैं बता रहा था, जिसकी प्रिपरेशन मैंने दिखाई आप सबको, और ये है चिकन हांडी, और ये है मटन स्टू। तो 3 आइटम हमें सर्व किए गए हैं भाई, कसम से तो मुझे अभी रुका नहीं जा रहा है, खुशबू बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। अभी टाइम आ गया है खाने का, तो रिव्यू करते हैं क्या है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि यहाँ अगर आप आओगे ना, तो आपकी जो फेवरेट जो जैसे पीस होते हैं, मेरा जैसे लेग पीस है, तो मेरा फेवरेट लेग पीस मैंने बोला तो उन्होंने दे दिया, तो आपका भी जो फेवरेट है ना वो आप ले सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी दे दें और आपको आप बोल नहीं पाओ वहाँ पे। चलिए तो रिव्यू करते हैं इसका। तो सबसे पहले मटन हांडी ट्राई करिए, अभी पहले रोटी के साथ खाते हैं, ग्रेवी टेस्ट करते हैं इसका कैसा है। जैसा कि प्रिपरेशन है आपने देखा कि सारे मसालों जो भी डाले गए हैं, सारे मसाले सबका प्रॉपर एकदम टेस्ट आ रहा है। और जैसे मैंने भैया से पूछा था कि भैया जल तो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जला है, जैसे कि प्रॉपर एकदम पका हुआ टेस्ट आता है ना, फ्लेवर आ रहा है जैसे कि बंद करके वो चिकन सॉरी मटन हांडी पकाते हैं, बिल्कुल वैसा। मैंने चंपारण में भी मटन खाया है, कह सकते हैं चंपारण से तो अच्छा ही लग रहा है, जहाँ रियल का वहाँ चंपारण का नाम है यहाँ का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये पूरी तरह से ये पक चुका है, जैसा कि भोजपुरी लैंग्वेज में बोलिए तो पूरा तरीका से सींझ मिल हुआ, जैसे हमने भोजपुरी लैंग्वेज में बोले ला। और ये भी जरा सर्दी हुई बनू खाई तो सर्दी फट दे, और एकदम जूसी है, एकदम पूरी तरह से सींझ गया है। मुझे लगा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जल जाएगा, ऐसा टेस्ट आएगा, लेकिन पूरा तरीका से पक गया है, और टेस्ट में कसम से लाजवाब आ रहा है।
अगर रेटिंग की बात करूँ इसकी तो इसको मैं 9.5 दूंगा। घर पर हम लोग मटन बनाते हैं ना एकदम होम स्टाइल में, एकदम होम स्टाइल जैसा एकदम टेस्ट आ रहा है इसका, और क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बहुत मज़ा आ गया इसको खाकर। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ अभी मुझे खाने को भी मिल रही है। तो एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चंपारण पुराना चंपारण मीट हाउस है, आराम एकलौता बस इसका एक ही ब्रांच है। बहुत सारे लोग भैया से आके पूछते हैं कि भैया आपका और भी ब्रांच है यहाँ पे, खुला है मैंने देखा, तो और कहीं ब्रांच नहीं है। रमने के पास से आदि होटल के बाजू में पुराना चंपारण मीट हाउस यहीं पे है, तो यहीं पे आके ट्राई करना। और यहाँ पे दो चीज़ सर्व की जाती है, जैसे कि मटन और चिकन के साथ रोटी और चावल। रोटी की प्राइस की बात करो तो बहुत कम है यार, 5 रुपये में एक रोटी है, 5 रुपये में कहाँ मिलता है। जाए तो 9 रुपये 8 रुपये की रोटी मिलती है, हाँ वाली 10 रुपये की, 5 रुपये में रोटी यहाँ पे सर्व की जाती है। और रोटी की साइज़ की बात करो तो आप रोटी की यहाँ साइज़ देख सकते हो, जैसे घर पे हमें मिलता है। मुझे तो लग रहा है मैं बाहर खा नहीं रहा हूँ, मुझे घर पे ही ऐसे बना के दिया गया है। और रोटी भी बहुत अच्छी है तो कर रहे हैं, लेकिन हमने रियल राइस नहीं लिया है, रोटी खा रहे हैं क्योंकि हमें रोटी ज़्यादा पसंद है। तो और आप भी बताओ, अगर आप यहाँ पे आते हो या फिर आ चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं मटन स्टू के साथ, तो मटन स्टू देखते हैं पका है कि नहीं पका है। तो इसका भी मैं दिखा दूँ तो ये भी बहुत अच्छे से ये सूझ गई का पक गया है बहुत अच्छे से। देखो जो मटन में लचीलापन होना चाहिए ना वो बहुत अच्छे से आप इसमें देख सकते हैं। और इसका भी टेस्ट करते हैं कैसा कैसे। एज एक्सपेक्टेड ये भी इसके भी जो मसाले हैं जो इसकी बाइंडिंग की गई थी बहुत अच्छे से इसका भी फ्लेवर उभर कर आ रहा है। जैसे कि ज़्यादा लोग जो भी मटन आता है बाहर का मटन खाएगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा तेल देखने को मिलता है। लेकिन आपको जैसे मैंने बोला ये बिल्कुल होम स्टाइल में एकदम बनाया गया है, तो इसमें जैसे कि इसको अभी स्पाइसीनेस खाना पसंद नहीं है, तो बिल्कुल जैसा कि घर जैसा बनता है ना एकदम नॉर्मल वैसे ही फ्लेवर, कम स्पाइसी और स्मोकी जो टेस्ट आ रहा है ना इसका, तो स्मोकी जो फ्लेवर आ रहा है कसम से उसने तो दिल जीत लिया है। अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ मैं तो इसको मैं रेट देना चाहूँगा कितना, तो बताओ, आपने तो टेस्ट नहीं किया आप तो बताओ एक बार। मेरी तरफ से इसको भी मैं 9.5 दूंगा, इसको ज़्यादा लाइक करें मैं। तो तीसरे डिश पे जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूँ, ये जितने भी आइटम मैं खा रहा हूँ सब बजट फ्रेंडली है। ये जो आपको चिकन हांडी है ये 150 रुपये प्लेट में 3 पीस मिलेगा आपको, जो कि बहुत सही है। 700 रुपये किलोमीटर यहाँ आप क्या चाहिए आपको, तो ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे यहाँ पे पीस दे रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ बड़े बड़े साइज़ है पीस के। तो ये तो टेस्ट ने तो दिल जीत लिया इसने और बजट ने भी दिल जीत लिया। और अगर मैं मटन स्टू की बात करूँ तो ये 75 में राइस प्लस 1 पीस है इसका, तो इसका भी रेट मैंने आपको बता दिया और टेस्ट तो बता ही दिया। तो अगर इन दोनों की बात करूँ तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपने आप में हैं। और चिकन पे अगर मैं जाऊँ तो चिकन की प्राइस है 40 रुपये 1 पीस और चावल के अलग से प्राइस लगते हैं। तो अगर बजट फ्रेंडली आपको कहीं मटन खाना है और टेस्टी मटन खाना है होम स्टाइल में खाना है तो भाई चंपारण मीट, पुराना चंपारण मीट हाउस है रमना के पास, आप एक बार ज़रूर आओ और एक बार तो जाके आप एक बार टेस्ट करके आओ। मैं गारंटी आपको ये देता हूँ कि अगर आप यहाँ से निराश नहीं जाओगे, क्योंकि टेस्ट और बजट फ्रेंडली दोनों दो चीज़ लोग देखते हैं और दो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल मैं अगर चिकन की टेस्ट की बात करूँ तो चिकन अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट करने का सर। चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है, मसाले की बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से, चिकन हांडी जो है ना उसमें भी स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, डिलीशियस। अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 10 में से 10 देना चाहूँगा, घर पर भी नहीं बनता है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि आपने देखा है कि मटन हांडी एकदम हाइजीन तरीके से बनाया गया है, जब बाहर बनाते हैं आपको तो पता है बाहर का एकदम हाइजीन तरीके से बनाया गया है, और ये भी बहुत हाइजीन तरीके से बनाया गया है। मेरे जहाँ ये मटन हांडी का प्रिपरेशन चल रहा था उसके पीछे ही चिकन हांडी का प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन मैंने आपको बस चंपारण मीट का ही दिखाया। तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है, टेस्ट और बजट दोनों एकदम बहुत सही है। और मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार विजिट यहाँ पे करो और एक बार खाओ ज़रूर यहाँ पे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग एक बार ज़रूर बताना, और कौन सी जगह में जाके वीडियो बनाऊँ सजेस्ट करना,
और छोटे भाई का चैनल है तो यार दोस्तों एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का चैनल, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल। मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो चलिए मिस्टर श्रीवास्तव आप चलता है साइनिंग आउट। आप समझ गए होंगे कि यहाँ कितना अंडी सेल होता है डेली। तो ये जो आप बहन देख रहे हैं ये पूरा मटकी हांडी से भरा हुआ है, तो कितने इसमें हांडी होंगे मैं बता नहीं सकता आपको, कम से कम नहीं मेरे हिसाब से तो 1000 से तो ऊपर होंगे आराम से। तो ये देख रहे हैं कि इन्हीं का खुद का है ऐसा पूरा, तो ये वैन पूरा हांडी से भरा हुआ है। तो देखते हैं ये उतरता कितना है, भैया से पूछेंगे टोटल कितना होगा। मैंने पूछा था भैया से कि कितना होगा, तो मेरा अंदाजा एकदम प्रेडिक्ट सही किया मैंने, 1000 के आसपास है ये। तो आप देख लो, इसी से पता कर लो कि ये यहाँ कितना हांडी सेल होता होगा, और हांडी तभी सेल होता है कि जब यहाँ का टेस्ट अच्छा होगा। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आना, बस देख लो भाई ऊपर से पूरा लपालप भरा हुआ है।